Yes, we are live now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of you. Welcome back for English class once again. Today we are moving towards the fifth poem, that is A Poison Tree. It is really related to our today's life, where we come across with many people, some of our friends, some of our enemies. कई ऐसे लोगों से मुलाकात होती है हमारी रोजाना, कुछ हमारे से कुछ हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, कुछ हमारे लिए बुरा चाहते हैं या हमारा बुरा सोचते हैं। तो दोनों के बारे में दुश्मनी होना या नफरत होना, तो भी कितनी देर तक होना और नफरत को किस तरह से मिटाया जा सकता है, थ्रू दिस पोएम वी कैन स्टडी। अगर हम नफरत को खत्म नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो भी हम इस पोएम के अंदर मालूम हो जाता है हमारे। विल स्टडी। ओके सर, बिफोर मूविंग टू दिस पोएम आई वुड लाइक टेल यू अ थॉट। एक थॉट बोलना चाहूंगा आप लोगों को। ये थॉट को हमेशा याद रखना आप लोगों का लाइफ में, क्योंकि ये थॉट के ऊपर पूरी जिंदगी मुतइन है, पूरी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंडेड है। ट्राई टू गेट द थॉट प्रॉपरली। नेवर मेक ए प्रॉमिस व्हेन यू आर टू मच हैप्पी। नेवर मेक ए प्रॉमिस व्हेन यू आर टू मच हैप्पी। And never make a decision when you are too much angry. माने क्या है? Never make promise when you are too much happy. Never make a decision. Never make a decision when you are too much angry. So never make a promise when you are too much happy. Never make a decision when you are too much angry. इसका मतलब ये होता है कि गुस्से में किए हुए वादे और खुशी में किए हुए वादे और गुस्से में लिए हुए फैसले दोनों बाद में तकलीफ देते हैं। इसीलिए ना ही ज्यादा खुश रहे वक्त किसी से वादा करिए। खुशी खुशी में हम बहुत लोगों से वादे कर देते हैं, बिल्कुल तुम ये बोल ये कर देंगे तुम्हारे वास्ते, आज मैं बहुत खुश हुआ, जो बोले सुन तो तुम्हारी बात। तो ये चीज कभी मत करिएगा। और जब बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं सो उस वक्त कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि गुस्से के वक्त जो भी फैसला लिया जाता है वो अक्सर गलत होता है। क्योंकि प्यारे नबी का फरमान है कि गुस्सा शैतान की तरफ से आता है। इसीलिए जब भी आप गुस्सा हो तो उस जगह से चले जाएं, या उस बात को ना याद करें, या कहीं अकेले बैठ जाएं, या जाकर सो जाएं, या वजू कर कर नमाज पढ़ें। ये कुछ चीजें हैं जिनके जरिए हम अपने गुस्से को खत्म कर सकते हैं। तो उससे गुस्सा आता भी नहीं और गुस्से का कोई एडवर्स इफेक्ट होता भी नहीं। आना गुस्सा अच्छी बात है, जायज है गुस्सा भी आना, अगर वो बात हमारे हमारे हिसाब से अगर वो बात सही है और हकीकत में भी सही है। अगर उसको अगर गलत में बता रही तो वी कैन फाइट फॉर अवर राइट, हम लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। मगर मारम पीटी नहीं होना और ना ही खून खराबा होना याद रखिए कभी भी। क्योंकि हम कभी भी किससे भी लड़ने से पहले ये सोचना कि हमारे साथ हमारी फैमिली जुड़ी हुई है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि अगर हम जेल को चले जाएंगे या अगर हमारे को कोई मार देंगे, हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो उनकी जिंदगी क्या होना। क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स पूरे एक दूसरे को देखकर जीते हैं जिंदगी। सो वी शुड नॉट गेट एंग्री। मेरे हिसाब से तो ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज को मोहब्बत से सॉल्व किया जा सकता है। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद लव। देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ गोइंग ऑन जस्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम बाय फाइटिंग। जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए आप दो एग्जाम्पल हमारे सामने दिए गए हैं। ये पोएम भी मेमोराइजेशन में है आपको। दिस पोएम इज आल्सो फॉर मेमोराइजेशन। सो दिस हैज रिटन बाय विलियम ब्लेक।
विलियम ब्लेक ने इसे लिखा है। सर ऑथर का नाम लिखने की क्या जरूरत है बोर्ड के ऊपर? ऑथर का नाम लिखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के आसे तो कंपलसरी आपको ऑथर का नाम लिखना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हिच इज रिटन बाय दिस पर्टिकुलर पोएट, उसके बाद में ही आपको इट वॉज सेड बाय हिम ऑन दिस ओकेजन, ये चीजें लिखे तो ही 3 मार्क्स मिलते हैं वरना 3 मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए आप लोगों को जरूरी है कि ऑथर के नाम के साथ याद करें। अच्छा अब आप पॉइजन ट्री का मतलब क्या होता है, पॉइजन ट्री का मतलब क्या होता है, सुनिए, क्या हकीकत में ये एक जहरीला झाड़ था इस पोएम के अंदर? नो नॉट एट ऑल, इट वॉज नॉट अ रियल ट्री, रियल पॉइजनस ट्री। इसका असल मकसद ये होता है, तो सर एक थॉट है हमारा, वी हैव अ थॉट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, असल इस पोएम का जो पॉइजन ट्री है उसके माने क्या होते देख लीजिए। It was not a real poison tree. The tree of hatred, the tree of hatred and enmity and enmity. The tree of hatred and enmity grown by suppressed anger. Exam में question आता है, was it a real poison tree? पूछता हूँ तो answer क्या लिखना है, लिखना है no, it was the tree of hatred, माने ये वो झाड़ था जो नफरत और दुश्मनी से grown, माने उगा हुआ था, जो दबाए हुए गुस्से से आया था। अब याद रखिए सर इसका मतलब क्या होता है, एक चीज ये है कि कभी भी अगर हम किसी से नाराज होते हैं, कभी भी हम किसी से गुस्सा होते हैं तो उन्हें बोल देना वो गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। अगर वो गुस्से को आप दिल में रख लेंगे तो जब भी उनको देखते हैं हमारे को गुस्सा बढ़ते जाता है, हमारे अंदर वो तकलीफ बढ़ते जाती है, जिसकी वजह से हमारे को दिल हमारा बोलते रहता है कि हम आपको बदला लेना है, इसको तो छोड़ना नहीं, मेरी बेइज्जती करे इसकी बेइज्जती करे तक मैं छोड़ता हूं, इन्हें मेरे को 4 लोगों में मारे मैं इसको मारे तक नहीं छोड़ता मैं, तो ये चीजें बार बार उसको देखकर होती है हमें। कभी कभी कुछ लोगों के मजाक में कभी कभी कुछ ऐसी बात निकल जाती है किसी दोस्त से जो बात से हमारे तकलीफ होती है, उसको एहसास नहीं होता, मजाक में बोलता कैजुअली, बट हमारे को वो दिल को लग जाती बात जिसकी वजह से हम उससे नाराज हो जाती, मगर हम उसको नहीं बोलते। मगर बोल देना और वो तकलीफ को दूर कर लेना, और आमतौर पर कभी भी आप किसी को कुछ बोलने से पहले यकीन मानिए आप अपना रियलाइजेशन रोज शाम में करना। मेरे एक उस्ताद थे लेक्सिकोग्राफर, माने वन हु राइट्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखते हैं बेंगलुरु में, उन्होंने कहते थे कि यू मस्ट गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स टू यूर सेल्फ एवरी डे और एल्स यू विल मिस द चांस ऑफ मीटिंग द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, माने रोजाना अपने आप को 10 मिनट आप देना चाहिए कि अपनी जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, किससे कैसी बात कर रहा हूँ, अपना रियलाइजेशन करना जरूरी है। अगर आप अपने आप को 10 मिनट नहीं देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खो देते हैं। इसीलिए हमें कंपलसरी अपने आप को 10 मिनट रोज अपना जायजा करना चाहिए कि भाई हम सारा दिन में जो भी काम कर रहे हैं क्या इससे हमारे कोई काम से किसी को तकलीफ हुई, क्या मेरे को कहीं कुछ बोलने से किसी को कुछ बुरा लगा, क्या समझ में आ रहा, ये सब चीजें आप सोचना जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन जिसकी जिंदगी में नहीं होता उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, कुत्ते की जिंदगी है। समझ में आ रहा है, you are living just a life like a dog if you are not realizing your own life that what you are doing from morning to night. agar aap apni zindagi ka realization nahi kar rahe, agar apni zindagi ka agar aap muayna nahi kar rahe to this is completely wrong guys, please kabhi bhi kisi ko bolne se pehle 1000 baar sochiye, kyunki ek baar kisi ki baat ko agar koi dil ko kisi ki baat lag gayi to ye us tarah se hota hai जिस तरह से दीवार में मारे से किले को निकालने के बाद भी नोक उसका निशान रह जाता है, उसी तरह से माफी मांगने के बाद भी कभी कभी कुछ बातें दिल में रह जाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए कभी भी किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच के बोलिए और किसी के साथ बुरा मत करिए, अगर आपके साथ कोई बुरा करता भी है तो आप अल्लाह से दुआ करिए, उसके हक में हिदायत की दुआ करिए और बिल्कुल अल्लाह उसको हिदायत देता है और आपके गुनाह माफ करता है अल्लाह और आपको कामयाब भी करता अल्लाह, ठीक है। तो हमारे यहाँ की कामयाबी से फायदा भी नहीं है दुनिया की कामयाबी से, जो एक दिन खत्म होने वाली, हमारे मौत के साथ हमारी कामयाबी भी खत्म हो जाती है, हमारे बारे में लोग बात करना भी खत्म कर देते हैं। बहुत बार तो 30 दिन 40 दिन या 4 महीने बात करेंगे हमारे बारे में, उसका साल के एक बार जिक्र हुआ तो होता है,
वरना वो भी नहीं होता। तो हमारी असल जिंदगी है मरने के बाद, अवर रियल लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ। और मौत से भी डरना नहीं, अम्मा ऐसा हो रहा है मरने की क्या है कि उनको बिल्कुल मरने की जरूरत, मरने से डरने की जरूरत नहीं है। मौत तो एक बहाना है, एक बहुत शानदार चांस है अल्लाह से मुलाकात करने का, अगर हमारे अच्छे अखलाक है, अगर हम अच्छा काम करें अपनी जिंदगी में, तो बिल्कुल हमको डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह एक भी हमारे कौन से भी अमल के जरिए हमारी मगफिरत कर सकते हैं, और ये अल्लाह से मिलने का मौका है, तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। नाउ लेट्स कम टू द पोएम, लेट्स बिगिन द पोएम। टुडे वी आर गोना स्टार्ट द पोएम नंबर 5, अ पॉइजन ट्री, व्हिच इज बिट इंटरेस्टिंग पोएम, एंड इट ऑलवेज टीचेस अस। दिस चैप्टर हैज बीन एडेड इन योर सिलेबस विद अ रीजन दैट यू शुड ऑलवेज गो ऑन एक्सप्रेसिंग योर एंगर whenever you become angry against anybody. आप किसी से भी गुस्सा होते हैं तो बोलिए, बोल के ही मेन मकसद इस पोएम का है। आपके सिलेबस में ऐड करने का गवर्नमेंट का मकसद यही है कि खून खराबा नहीं होना, उस बात को वहीं खत्म कर देना। Have a look. Please take out, if you are having two parts reader, अगर दो पार्ट की रीडर है आपके पास, मोटी रीडर है, तो पेज नंबर 240 निकालिए। अगर आपके पास पार्ट 1 की रीडर है तो आप उसे 109 पेज नंबर आप निकालिए। आइए, आई वॉज, ऑल ऑफ अस गेट एंग्री सम टाइम और द अदर, इज इट गुड और बैड टू एक्सप्रेस वन्स एंगर? वही, यस गाइस, जब भी किसी से हमको तकलीफ हो रही है, हम वो तकलीफ बोल देंगे तो खत्म हो जाती है, अगर वो दिल में रख लेंगे तो बढ़ते जाती है। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट गोज ऑन अगेन क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस। तो इसीलिए कभी भी याद रखिएगा, गुस्सा होते ही बोल देना है, उसको क्लियर कर लेना है। अगर हमको उनके साथ रिश्ता रखना है, तो अगर हम कभी भी किससे भी गुस्सा होते हैं दिल में रख लेते हैं, उसको बाद में उसको बदला लेते हैं, बोले तो इसका मतलब उसको हम कभी अपना समझे ही नहीं, याद रख लो, समझ आ रहा है। और जहाँ झगड़ा नहीं है वहां मोहब्बत नहीं रहती, तो मोहब्बत में आमतौर पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में, उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना। हम अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह हमारा रिश्ता अच्छा रखो, बोलो दैट्स इट, कम ऑन। So I was angry with my friends. मैं मेरे दोस्त से नाराज हुआ। I became angry against or on my friend who said something wrong, who insulted me or who did something wrong with me. Because of that, I became angry with my friend. I told my wrath. Wrath means angry, anger, गुस्सा. I told my wrath. My wrath did end. क्या बोल रहे हैं? I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did ends. माने मैं मेरे दोस्त से गुस्सा हुआ और मैं मेरे दोस्त को मेरा गुस्सा बोल दिया और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what is the first instance in the poem? पहली इंस्टेंस कौन सी है? या what happened when the speaker expressed his anger? जब स्पीकर अपना एंगर बोल दिया तो what happened? तो दो लाइन को अंडरलाइन करके बाजू लिख लीजिए पेंसिल से, write down by pencil, with a pencil here after two lines. I was angry with my friend, I told my wrath, my wrath did end ke baazu likhiye. Misunderstanding got clear. Maane jo naitefaqi thi dono ke beech mein wo khatam ho gayi. Kyon khatam ho gayi? Bolne se khatam ho gayi. Kai baar aisa hota hai hamare acche rishte kharab ho jate hain kuch baaton ki wajah se, kuch misunderstanding ki wajah se, ya kisi ke अपने दोस्त के बारे में, किसी से हम सुने तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, बोलते उन चीजों के तरफ से, देयर आर मेनी थिंग्स आई एम टेलिंग यू, जहां शक है वहां कभी मोहब्बत नहीं रख सकते, और जहां मोहब्बत है वहां शक के लिए कोई गुंजाइश ही, कोई जगह ही नहीं होती। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप मोहब्बत करती नहीं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदार से, या आप खुद रियलाइज कीजिए, समझ आ रहा है। सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस और व्हेन द स्पीकर एक्सप्रेस हिज एंगर, दैट इज एंगर गॉड over or his misunderstanding got cleared. Ab second example dekhe. I was angry with my foe. Foe mane enemy. Foe means, main parson analogy mein grammar mein likhaya hu, dekhe. Acha, kal ke class jab explanation khatam hua Lochin var ka, to uske niche main grammar ke topics ke links dal diya hu, to wahan par jaake aap link ko click karenge to aapko ho jate, main inshallah ye bhi वीडियो में, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने लगा देता हूँ इंशाल्लाह आज, फिर भी वहां पे डाला हूँ पूरे ग्रामर टॉपिक्स के, आप वहां पे क्लिक करके वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं। सो आई वॉज एंग्री विथ माई फो, माने आई बिकेम एंग्री ऑन माई
एनिमी, मेरे दुश्मन से मैं गुस्सा हुआ. आई टोल्ड इट नॉट, मैंने मेरा गुस्सा नहीं जाहिर किया. आई डिड नॉट एक्सप्रेस माई एंगर, माई रैथ माने माई एंगर डिड ग्रो, मेरा गुस्सा बढ़ गया. सो वॉट हैपेंड वेन स्पीकर सप्रेस्ड हिज एंगर, सेकेंड क्वेश्चन आता है एग्जामिनर, और ये कई बार आए हैं क्वेश्चन. क्या हुआ जब स्पीकर अपना गुस्से को दबा दिया? सप्रेस्ड माने प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग, माने इंप्रूव, बढ़ने से रोकना, समझ में आ रहा है, माने बोलने से रोक लिया अपने आप को. तो क्या हुआ? When speaker suppressed his anger, it grieved. समझ में आ, लिख लियो बाजू, बाजू दोनों लेन के आगे लिख लियो. आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई रैट इट ग्रो, के बाजू लिख लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग गॉड, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रीव, मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रीव. तो ये दो लाइन के माने क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई. अब आइए सेकेंड स्टैंडिंग की तरफ. सो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हाउ आर द रिजल्ट्स डिफरेंट इन टू इंस्टेंसेस, दोनों एग्जाम्पल, इंस्टेंसेस माने एग्जाम्पल्स, दोनों भी शुरू के एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है, रिजल्ट का क्या फर्क है. सो व्हेन स्पीकर बिकेम एंग्री अगेंस्ट और ऑन हिज फ्रेंड, he expressed his anger, misunderstanding got clear. Whereas speaker became angry on his enemy and he did not express, instead of expressing he suppressed, so misunderstanding grieved. Samajh aa raha, itna normal answer aa jaiye. So second stanza, and I watered it in fears. Ab watered in fears ko round kar lijiye utna, utne words ke maane kya ho rahe dekhiye, likhiye baazu left side likhiye. I watered it in fears. Speaker did not have courage. Exam mein question puchta hai. What do you mean by this? First line of second stanza. Yeah, what do you mean by watered it in fears? So, likhe, speaker did not have courage. Speaker did not have courage to express his anger. Speaker ke paas himmat nahi thi ki apna gussa bata sake. Isliye gusse ko dabata gaya aur उसे और बढ़ाता गया, अपने अंदर डर बढ़ाता गया. नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, दिन रात रोता गया, उन्हें जो बेइज्जती करा, उन्हें जो बातें करा, उन्हें जो धोखा दिया, उसे याद करता गया और रोता गया. नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स माने डे एज वेल एज इन नाइट, ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड और द डिसेप्शन एंड स्टार्टेड क्राइंग. अब टीयर्स को अंडरलाइन कर लो, खाली टीयर्स को राउंड कर लेके लिख लीजिए. Speaker had to go. Speaker had to go through. Speaker had to go through lot of anxiety. माने बेचैनी. Speaker को बहुत ज़्यादा बेचैनी face करना पड़ा. अब और बाद में लिख लीजिए दो line के माने क्या हो रहे हैं. He helped his anger to grow more and more. First two line के माने क्या हो रहे हैं देख लीजिए पूरे दोनों line के. Second stanza के first two line के माने हो रहे हैं. That I watered in fears night and morning with my tears. माने रो रो कर अपने गुस्से को तू बढ़ा रहा है. तू गुस्सा बोल दिया तो खत्म हो जा रहा ना भाई, टेंशन ही नहीं हो रही. If you are suppressing, it goes on creating a kind of chaos. माने प्रॉब्लम होने वाली कंपलसरी. तो उससे अच्छा है आप बोलते जाइए, वहीं का वहीं खत्म कर दीजिए. So misunderstanding, sorry. He helped his anger to grow more and more. आप रो रो कर टेंशन ले लेकर डर डर कर अपने गुस्से को और बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे, इट इज इंक्रीजिंग. एंड आई संड, संड माने टुक केयर ऑफ, अंडरलाइन करके लिख लीजिए टुक केयर ऑफ. टुक केयर ऑफ एंड आई संड इट विथ स्माइल्स, विथ सॉफ्ट डिसिटफुल वॉइस. डिसिटफुल माने चीटिंग बोल के लिख लीजिए वहां पे. Wiles माने ट्रिक्स. निकलिए. सो ही जस्ट बिहेव इन सच अ वे दैट ही इज नॉट एंग्री. आमतौर पर दुश्मनों का भी हिसाब ऐसे ही होता है. जब भी हमसे मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं, और जब अकेले में होते हैं तो हमारे बारे में हमें हमें मारने की, हमें परेशान करने की, हमें तकलीफ देने की प्लानिंग करते हैं. तो ये याद रखिएगा, ये भी एनिमी इस तरह कुछ इस तरह ही करा. जब भी ऑथर से मिलता तो मुस्कुराते हंसते बात करता और ऐसा महसूस ही नहीं होने देता कि मैं उससे नाराज हूं.
स्पीकर से, वो दुश्मन उससे नाराज है स्पीकर से, ऐसा महसूस होने देता, बिकॉज ही फॉलोड द सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, माने वो चीटिंग ट्रिक्स उसके अंदर लेकर चलता है, किस तरह से उसको धोखा देके मारना है, और दैट इज इट ऑलवेज गोज ऑन डूइंग. अब फिर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको, कि व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रूट बी ग्रोन इन फियर्स एंड टीयर्स, माने जब डर डर कर रो रो कर अगर हम ऐसे हरकत करते हैं तो इसमें कैसा फ्रूट उगेगा, माने इसका आगे हशर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर शेडिंग योर टीयर्स एंड गोज ऑन ऑलवेज फियर्स इन फियर्स, सो यू गोज ऑन ऑलवेज feeling a kind of fear, तो क्या होगा उसका, उसका effects क्या होगा, so a poisonous fruit, समझ में आ रहा है, what kind of a fruit be grown in tears and fears means a poisonous fruit can only be grown, खाली जहरीला झाड़, माने उसका असर जहरीला हो सकता है जिससे compulsory सामने वाले को नुकसान हो सकता है और दूसरा कुछ नहीं हो सकता. Third stanza, so in second stanza we have read that how the author has started shedding tears and how he started fearing, feeling fear, that he is helping only to his anger to grow more and more, whereas in third line he started behaving in such a way that he is not unhappy or he is not angry with the speaker whenever he meets, but he goes on always following some soft deceitful wiles. माने जब भी उन्हें author से मिलता था तो बिल्कुल मुस्कुराते मिलता था कि ऐसा लगना कि मैं उससे नाराज नहीं हूं, मगर फिर भी दिन रात डर डर कर रो रो कर अपने गुस्से को बढ़ाता था, किस तरह से उसे मारूं बोलकर. नाउ थर्ड स्टैंजा, एंड इट ग्रियो बोथ डे एंड नाइट, और दिन रात ये बढ़ता गया, इट ग्रियो बोथ डे एंड नाइट, दिन रात बढ़ता गया, टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, बोर एन एप्पल, एप्पल को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, एप्पल को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, द रिजल्ट ऑफ सप्रेसिंग एंगर, माने ये एप्पल कुछ और नहीं है बल्कि ये जो गुस्से को दबाया हुआ है ये उसी का रिजल्ट है, समझ आ रहा है, रिजल्ट ऑफ सप्रेसिंग एंगर. सो ब्राइट माने टेम्प्टेड टू ईट, ऐसा उकसाना सामने वाले क्या, उन्हें उसको खाने आना, उसके तरफ आना और उसको मारकर अपना बदला पूरा कर लेना. सो एंड इट ग्रीव बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट एंड माय फो बिहेल्ड, बिहेल्ड माने सॉ, and my foe beheld it shine, और मेरा दुश्मन देखा कि ये चमक रहा था apple, कहाँ पे, मेरे garden में, समझ रहा, it was just imaginary, so author has a garden, sorry that particular enemy has a garden, and his speaker always thinks him as his friend, so he used to just go on always eating the fruits from his garden, so imaginary है, so my foe beheld it shine and he knew that it was mine, वो जानता था कि ये मेरा गार्डन है, ये मेरा फ्रूट है. सो इन थर्ड स्टैंजा इट गोज ऑन ऑलवेज इंक्रीजिंग डे एंड नाइट एज वेल एज इट क्रिएटेड एन एप्पल ब्राइट व्हिच द स्पीकर सॉ दैट इट द स्पीकर सॉ दैट पर्टिकुलर एप्पल एंड ही न्यू दैट इट वाज द एप्पल ऑफ माय फ्रेंड दैट इज होम दैट एनिमी थिंक्स एज एनिमी, एनिमी जिसको दुश्मन समझता था, दोस्त उसको दोस्त समझता था स्पीकर, तो उसके पास आता है, हैव अ लुक एंड इनटू माय गार्डन स्टोल, और रात में मेरे गार्डन में स्टोल माने एनिमी एंटर्ड इनटू स्पीकर्स गार्डन टू स्टील, माने उसके गार्डन में चोरी करने आया. व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द बोल्ड, वेल्ड माने कवर्ड, स्पीकर का दुश्मन जो था उन्हें आया. In the morning, glad I say, सुबह देखकर मुझे खुशी हुई. My foe, माने my enemy, outstretched, माने lying dead beneath the tree, माने below the tree. सुबह देखकर मुझे खुशी हुई कि मेरा दुश्मन झाड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है. सुन यार, this is what the poem is about. तो last के stanza के माने हो रही. At last, the enemy died with that anger. The speaker also. स्पीकर्स एंगर ऑल्सो डाइड, माने जैसा एनिमी मर गया उसके साथ में स्पीकर का गुस्सा भी खत्म हो गया. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कि वाज द स्पीकर ऑल्सो डाइड एट द डेथ ऑफ हिज एनिमी, नो स्पीकर डिड नॉट डाई, ओनली द एंगर ऑफ द स्पीकर ऑल्सो डाइड, माने उसके मरने के साथ में उसका गुस्सा भी खत्म हो गया.
वॉज द स्पीकर राइट इन किलिंग? इतना भी गुस्सा होते क्या हम अपने गुस्से में किसी की जान ले लेंगे? दिस इज रॉन्ग. गुस्सा होना एक अलग चीज है, गुस्से को खत्म करना एक चीज है, गुस्से को कंट्रोल करना एक चीज है, बट किसी की जान लेना नहीं है एट एनी कॉस्ट. क्या भी हो जाए हम कभी किसी की जान नहीं लेना. ओके okay?